बेटा एक काम बस शेष रह गया है, बिना उसके पूरा हुए यह विधि पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अभी और कितनी बेइज्जती कराना बाकी है पंडित जी? मैं बताता हूँ सुनील जी। अपराजिता, पंडित जी ने बताया था मुझे कि जब तक दुल्हन की माँ के पैर धोकर पश्चाताप नहीं किया जाता है तब तक विधि अधूरी रह जाएगी। अरे दुल्हन की माँ सासू माँ तुम्हारी माँ के समान ही है, धो लो उसके पैर भी। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शादी के बाद अगर मैंने छवि से ऐसे ही 100 मर्दों के पैर नहीं धुलवाए ना तो मेरा नाम भी वीर नहीं। आइए आइए सासू माँ। हमारे पैर धोने के बजाय तुम अपनी माँ के पैर धो और उनसे कहो कि अगर तुमने कभी भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया है ना वो तुमको माफ कर दें। अरे नहीं नहीं, मैं भला कैसे? अरे क्यों नहीं, माँ है आप इसके, आपकी सेवा करने में इसे क्या एतराज हो सकता है? आपको तो इसकी मदद करनी चाहिए कि इसी बहाने इसकी कुंडली का दोष और पाप दोनों कम हो जाए। बिल्कुल, कहते ना माँ तो साक्षात भगवान का रूप होती है, माँ खुश तो स्वर्ग की अनुभूति होती है। और अगर माँ ना खुश तो जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। क्यों मां? आई हाय आइए मां। इसे कहते हैं नेहले पे ठेला। उस बेवकूफ अपराजिता ने क्या सोचा था कि वो ये सब करके शादी कैंसिल करवा देगी, पर शायद वो भूल गई कि उसका पाला वीर से पड़ा है। सिर्फ 30 मिनट बचे हैं मुहूर्त में, और इन्हीं 30 मिनटों में हमारी छवि की जिंदगी बदल जाएगी। उसके बाद कोई भी वीर हमारी बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।